हेलो एवरीवन, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस के एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास एंड ऑब्जेक्ट के। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि सर आप क्लास ऑब्जेक्ट पे एक प्रोग्रामिंग बताइए, क्लास ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं उसके बारे में बताइए। तो आइए बहुत अच्छे से समझते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू आप प्रोग्रामिंग कैसे बनाते हैं और क्लास ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इस सेक्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास देते हैं और क्लास नेम देते हैं। सबसे पहले चीज क्या करना है आपको, क्लास नेम आपको अपना डिक्लेयर कर देना, जो भी क्लास नेम आप देना चाहते हैं। फिर उसके बाद दो तरीके के मेन आपके एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। मतलब क्लास के अंदर आप लोग क्या डिक्लेयर करेंगे, जो आप सबसे पहले क्लास बनाएंगे और क्लास नेम सपोज मैंने दे दिया सम, कोई भी क्लास नेम दे सकते हैं। उसके अंदर आपको दो फंक्शन है, कौन कौन से, एक पब्लिक और एक आपका पहले प्राइवेट देंगे, सॉरी पहले प्राइवेट और फिर आपका पब्लिक। ये एक तरह की कह सकते हैं आप विजिबिलिटी मोड है जिसमें आप डेटा को हाइड भी कर सकते हैं। तो ये जो विजिबिलिटी मोड्स की बात अगर हम लोग करें, ये इनको एक्सेस स्पेसिफायर भी कहते हैं, इन्हीं प्राइवेट और पब्लिक को। इनमें हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा जो आपके वेरिएबल होते हैं आप उनको डिक्लेयर कर सकते हैं, उनके फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब प्राइवेट के अंदर आप अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, और पब्लिक के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं किसी प्रोग्राम को बनाते समय। सपोज आपको इंटीजर में कोई वैल्यू देनी है या फ्लोट में देनी है, जो भी वैल्यू देनी है, तो आप डायरेक्ट आप प्राइवेट के अंदर भी दे सकते हैं और पब्लिक के अंदर भी इसको हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो प्राइवेट के अंदर दिया गया होता है इसको हम लोग आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब अगर आप इसके अंदर कोई भी डेटा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या कोई फंक्शन बनाते हैं तो इसको आप इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक में जो भी कुछ दिया होगा इसको आप क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास के जो प्राइवेट में है हम लोग क्या करते हैं, केवल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और पब्लिक में फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा डेटा आपका प्रोटेक्ट रहे, डेटा सिक्योर रहे। इसलिए जो भी हम लोग डेटा सिक्योर करना चाहेंगे वो हम लोग क्यों देंगे, प्राइवेट में। मतलब कोई भी इसको क्लास के बाहर कॉल ना करा पाए, और जो फंक्शन होगा वो हम लोग इसमें डिक्लेयर करेंगे पब्लिक में। जनरली आप लोग ऐसे ही करते हैं, तो इसलिए हालांकि दोनों चीजें हो सकती हैं, आप चाहो तो आप यहां पर भी फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो प्राइवेट में आप वेरिएबल और डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे इनको आप क्लास के अंदर ही आप उनको कॉल करा सकते हैं, लेकिन अगर आपने पब्लिक में कोई वेरिएबल नेम या फंक्शन डिक्लेयर किया है तो उसको आप क्लास के बाहर भी, आउटसाइड ऑफ द क्लास भी इसको आप कॉल करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे करते हैं। सबसे पहले सपोज मैंने एक क्लास मान लिया, एड, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या प्राइवेट फंक्शन बनाया, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया, फिर इसके अंदर मैंने क्या किया वेरिएबल डिक्लेयर किया। मतलब प्राइवेट में हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर कैर जो भी होंगे उनको आपने प्राइवेट में डिक्लेयर किया। क्यों, क्योंकि प्राइवेट में डिक्लेयर करने का मतलब है उनको हम क्या करना चाहते हैं, उनको हम सिक्योर करना चाहते हैं। और इनको मैंने बताया ना, इनको विजिबिलिटी मोड भी कहते हैं, प्राइवेट पब्लिक इनको, क्यों, क्योंकि इससे आप डेटा को शो और हाइड कर सकते हो। फिर हमने क्या किया, पब्लिक में क्या किया, अपना फंक्शन डिक्लेयर किया, और फंक्शन का नाम क्या रहा, जिसको जो हम लोग पब्लिक में फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन। और जो डेटा ऊपर डिक्लेयर होता है वो क्या कहलाता है, डेटा मेंबर। तो ये भी चीजें पूछी जाती है कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्या होता है। तो जो आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेटा मेंबर कहलाते हैं, और जो भी फंक्शन आप डिक्लेयर किया जाता है वो क्या कहलाता है, मेंबर फंक्शन। मैं पहले ही बता चुका हूं यही फंक्शन हम लोग ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि अगर हम ऊपर यहां पर फंक्शन डिक्लेयर कर देते तो इसको हम नीचे कॉल नहीं करा सकते थे, इसलिए हमने फंक्शन कहां डिक्लेयर किया है, नीचे डिक्लेयर किया है। और देखिए उसके बाद मेन फंक्शन के बाद मैंने फंक्शन को यहां पर फंक्शन को कॉल करा सकते हैं, बहुत आसानी से फंक्शन को यहां पर कॉल करा सकते हैं, जैसा कि हम लोग अभी अपने आगे के प्रोग्राम में देखेंगे। दो नंबर्स के ऐड का प्रोग्राम मैंने बनाया है क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू, इसको आप समझिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऐड नाम का एक क्लास बनाया, और प्राइवेट में मैंने क्या किया, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जैसा कि मैं बताता चले आ रहा हूं। प्राइवेट में आपको क्या करना है, आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है, मैंने डाल दिया
एबीसी तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक में आएंगे, अपना फंक्शन बनाएंगे। तो हमने क्या किया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया और क्या किया, एक फंक्शन बना लिया वाइड विद डेटा नाम, कोई भी आप नाम रख सकते हैं क्योंकि मुझे वैल्यू इनपुट करनी थी, मैंने वाइड विद डेटा नाम का फंक्शन बनाया और दो वैल्यू मैंने यहां पर इनपुट कर ली, ए और बी। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको मैंने यहां पर बंद कर दिया। अब हमें क्या कराना है, उसको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, मतलब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन मैंने और बना लिया वाइड एड डेटा नाम, और उसको मैंने क्या बना लिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी, वो ऑपरेशन परफॉर्म करा ली और सी में रिजल्ट ले लिया। जब हम लोग सी में रिजल्ट ले लेंगे तो अब आपकी क्या हो गया, ये हिस्सा क्या हो गया आपका, फंक्शन का हो गया, मतलब ये फंक्शन परफॉर्म करेगा और ऊपर का जो सेगमेंट हो गया ये क्या करेगा आपका, ये आपकी वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर यहां हो गया, ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया। अब हम लोग क्या कराएंगे, फंक्शन को कॉल कराएंगे, मेन फंक्शन स्टार्ट किया और हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, एड नाम की क्लास थी, उसी नाम का मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और मैंने उसको एक नाम दे दिया ए वन, उसके बाद सेल्स वन। फिर क्या किया, ए वन को हमने क्या किया, कॉल कराया गेट डेटा, तो ए वन फंक्शन किसको कॉल करेगा, गेट डेटा को कॉल करेगा, और गेट डेटा क्या करना, गेट डेटा का काम क्या करना है, वैल्यू को इनपुट कराना है, दो वैल्यू इनपुट हो जाएगी। फिर क्या करना है, हमने अगले को कॉल करा लिया ए वन को, एड डेटा दिया फंक्शन को, इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम है वैल्यू को एड करना। इस तरह से आपका कोड जनरेट हो गया है, इस तरह से आप क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये तो था क्लास ऑब्जेक्ट। जो भी स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, अगर वो क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।